ये जो है वो OLX पे एक ऐड लगा हुआ था मैकबुक। तो किसी ने यूनिवर्सिटी पर्पज़ के लिए लेना हुआ, आपको तो पता है आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो सबसे बेस्ट लैपटॉप रीजनेबल प्राइस में कौन सा होगा वो लुक मिलती है। ये जो है वो काफ़ी बेटर लगता है देखने में, स्पेशली अगर आप रात को जो है वो काम कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ाइज़ बैक विद अनदर वीडियो। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ लैपटॉप, बट ये जो लैपटॉप है मैं वो ओलेक्स से परचेज़ नहीं कर रहा, इसको मैं हफीज़ सेंटर लाहौर से परचेज़ करूँगा। ओलेक्स इस वजह से नहीं परचेज़ कर रहा बिकॉज़ मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है लैपटॉप चेक करने का। इससे पहले जो मैंने लैपटॉप लिया था वो काफ़ी सस्ता था, डेल लैटीट्यूड E6420, वो 10,000 का मैंने ओलेक्स से लिया था, बट उसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने चेक कर ली थी। बट अब जो मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके वीडियो में दूंगा भी। तो मैंने जब ये लैपटॉप परचेज करना था, मेरे पास एक्चुअली दो ऑप्शंस थी, जो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन आपको दिखा भी देता हूँ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो ये थी, ये जो है वो ओलेक्स पे एक ऐड लगा हुआ था मैकबुक, और ये जो है वो मैकबुक एयर नहीं है, ये जस्ट सिंपल मैकबुक है। मैकबुक आई थिंक 12 इंचज में आती है ये। तो गाइस देखने में तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगता है, मैकबुक है, इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी है, बट अगर आपने कोई प्रोफेशनली वर्क करना होता है तो उसके लिए जो मैकबुक प्रो होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। एंड गाइस इसके जो प्राइस थे एड में वो 95K थे, और जो लास्ट उस बंदे ने प्राइस बताए थे मुझे वो 80K थे, एंड इसके साथ चार्जर नहीं था। तो ये मैकबुक थी, यहाँ तो मेरे पास ये ऑप्शन थी, मैं ये परचेज करता। एंड जो सेकंड ऑप्शन थी, यहाँ मैं हफीज़ सेंटर एक बार विजिट करता। मेरा वैसे माइंड नहीं था हफीज़ सेंटर जाने का, बट मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं एक बार विजिट कर लेता हूँ। एंड जो लैपटॉप के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड गाइस अब आपको मैं लेके चलता हूँ हफीज़ सेंटर, और देखते हैं क्या प्राइस है मार्केट में और कौन सा लैपटॉप मैं जो है वो परचेज करने जा रहा हूँ। तो यार जो नॉर्मली प्राइस होते हैं इंजीनियर के वो क्या है स्पेक्स के साथ अगर फुल अपग्रेड कर दिए जाए तो? कम से कम जो फर्स्ट जनरेशन है वो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये में नॉर्मल स्पेक्स के साथ मिलेगा। कोर i7 के 5 कोर i5 फर्स्ट जनरेशन, 4 GB रैम होगी और 320 GB हार्ड ड्राइव होगी। ठीक है, तो किसी ने यूनिवर्सिटी पर्पज़ के लिए लेना हो, आपको तो पता है आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो सबसे बेस्ट लैपटॉप रीजनेबल प्राइस में कौन सा होगा वो? अब देखें यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ काम आते हैं, किसी का हाई लेवल का काम है, किसी का लो लेवल का काम है। अब ये डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर कि उसका किस किस्म का काम है। अगर तो जस्ट उसने स्टडी वगैरह करनी है तो फिर आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, अगर आप पैसे खर्चना चाहते हो तो थर्ड जनरेशन। सही, तो बेसिक मतलब ऑनलाइन क्लासों के लिए बेसिक काम होता ही। हाँ, इसके लिए तो सेकंड जनरेशन, इसके ऊपर आप हल्का फुल्का आप अपना अडोब फोटोशॉप वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये चीज़ें आराम से रन कर सकते हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने हैवी प्रोग्रामिंग करनी है उस सूरत में जाके आपकी एक तो जनरेशन आप चाहिए, फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट है, फिर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन या सेवन जनरेशन, और उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव लैपटॉप आ जाएंगे जिस बंदे का काम बेसिक है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट बनवा लें या कोरल ड्रा वगैरह हो गया, डो फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और बहुत सारी, कईयों को ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होता है, ट्रैवलिंग के लिए फिर एक लाइट वेट चीज़ होती है, कईयों ने रख के काम करना होता है, यानी कि बेशुमार मॉडल्स हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए जो सबसे बेस्ट होता है उसकी स्टार्टिंग क्या है अभी? 20 से स्टार्ट होगा वो, और उसकी बैटरी टाइमिंग वगैरह क्या होगी? लैपटॉप मॉडल भी बता दें। मॉडल तो बहुत ज़्यादा है,
मॉडल अगर मैं आपको बताता हूँ वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट जनरेशन को हम पकड़ लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन को पकड़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन में डेल लैटिट्यूड सीरीज आ जाती है 64-20, 64-30, उसके बाद 64-10, 54-10, 65-10, 55-10, ये सारी फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद ग्रोसरी में आ जाती है, ये वो चीज़ है जो कि ना खत्म होने वाली। सही, ये इजीली अवेलेबल आपके पास भी सारी, इजीली अवेलेबल, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 20 से स्टार्ट होती है, 20 से स्टार्ट, और अगर कोई बंदा ये लेता है तो उसको अपग्रेड भी करवा सकता है बाद में, रैम ये जो भी चीज़ें सब कुछ होगा, आप चाहे रैम को 8 GB पे ले जाओ, चाहे 4 GB पे ले जाओ, चाहे 6 GB पे ले जाओ, चाहे 2 GB पे ले जाओ, वो तो आपके यूजिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। सही, अगर आप फर्स्ट जनरेशन को चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट जनरेशन हाई स्पीड में चले, आप फर्स्ट जनरेशन में रैम 4 की जगह 8 करवा लो और साथ SSD अटैच करवा लो, SSD से बड़ी परफॉर्मेंस, SSD से आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, आपको वही फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जो मजा आ रहा है वो आपको फर्स्ट जनरेशन में मजा आने लग जाएगा, ठीक हो गया है। वैसे बेस है वो कम पैसों में जरा आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो, परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर, ठीक हो गया है। अभी नंबर बताइएगा जरा, मेरा नंबर है 0307-45-34-884-884, और इनका नाम हमजा है, और इन्हीं से मैंने मशीन लिया डेल एलियनवेयर जो कि वो पड़ी हुई है अभी। तो गाइस ये है वो लैपटॉप डेल एलियनवेयर 14, एंड इसको डिटेल में दिखाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पावर सप्लाई दिखाता हूँ जो कि 240 वाट की है, एंड आप देख सकते हो कितनी बड़ी पावर सप्लाई है इसकी, बिकॉज ये जो लैपटॉप है वो गेमिंग लैपटॉप है, इवन दो की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी ओल्ड है, कोर i7 फोर्थ जनरेशन में ये लैपटॉप आता है, एंड इससे पहले जो लैपटॉप था मेरे पास जिससे मैं अपनी मोस्टली इनफैक्ट सारी ही वीडियोज़ जो मैंने अपनी यूट्यूब की हैं एडिट किए हैं वो ये था, एंड ये काफ़ी लकी लैपटॉप मेरे लिए साबित हुआ है, इससे मैंने जो है वो अपना पूरा चैनल ग्रो किया, बट आप इसकी कंडीशन देख सकते हो थोड़ी सी जो है वो रफ है, एंड गाइस इस लैपटॉप पर मैं वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता था वो फिल्मोरा था, इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी रफ हुई हुई है, और ये जो है वो मैंने ओला से परचेज़ किया था जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, बट अब बात करते हैं इस डेल एलियनवेयर 14 की, एंड ये जो लैपटॉप है वो 2014 की रिलीज है, अगर मैं आपको इसकी बैक दिखाता चलूँ तो इसकी जो वो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये लैपटॉप है, एंड यहाँ पे इसकी आई थिंक डेट मेंशन होगी 2014 का ये वर्जन है, एंड यहाँ पे कुछ इसकी जो है वो एयरवंट्स है, बिकॉज ये लैपटॉप जो है वो गेमिंग लैपटॉप है, एंड इसके जो स्पेक्स हैं वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, एंड इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉर्ड द वीडियो बिकॉज एक हाथ से मैंने जो है वो लैपटॉप पकड़ा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हर किस्म का जो है वो पोर्ट देखने को मिल जाएगा, इसी वजह से ये मैंने सेलेक्ट किया है, जो मैंने मैकबुक आपको दिखाई थी उसमें सिर्फ 2 पोर्ट थे, 3.5 mm जैक और USB टाइप सी, एंड आप इसमें पोर्ट्स देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ड्राइव भी मिलती है, मेमोरी कार्ड एंड एक और USB जो है ए पोर्ट है, एंड यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड इसका डिज़ाइन भी देखें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी सिंपल सा लैपटॉप है, एंड गाइस अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो अगर तो मैं इसको ओपन करूँगा, अब यहाँ पे देख सकते हो जो लाइट है वो इसकी ग्रीन है, एंड ये कस्टमाइजेबल है, और इसका जो टच पैड है वो भी ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ ये किस तरह का लगेगा आपको, एंड गाइस आप देख सकते हो उसकी जो लाइट है मैंने ऑफ कर दिया और कुछ इस तरह की लुक मिलती है, ये जो है वो काफ़ी बेटर लगता है देखने में, स्पेशली अगर आप रात को जो है वो काम कर रहे हो तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको, बिकॉज इसकी जो ये लाइट्स हैं वो कस्टमाइजेबल हैं, आप इसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो, थोड़ा ओल्ड लैपटॉप है, एंड अगर इसकी मैं आपको बैक दिखाता चलूँ तो यहाँ पे भी जो एलियनवेयर का लोगो वो भी ग्लो कर रहा है, और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो गाइस 60K में ये जो मशीन है वो मैंने परचेज़ की है, एंड इसके जो स्पेक्स हैं वो कोर i7 फोर्थ जनरेशन का जो है इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, एनवीडिया का इसमें 760M या 765M आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे जो है वो इसमें ग्राफिक कार्ड है जो कि 2 GB का है, इसके अलावा गाइस यहाँ पे 16 GB की इसमें रैम है, और M2 जो कार्ड होता है इसमें वो 80 GB की है जो कि SSD है, इसके अलावा 500 GB की इसमें हार्ड ड्राइव है, SSD जो डेडिकेटेड है वो नहीं मैंने फिलहाल लगवाई, बिकॉज M2 SATA जो कार्ड है वो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है जिसमें ये जो विंडो है वो चल रही है, एंड कुछ इस तरह की आपको इस लैपटॉप की जो है वो लुक देखने को मिलेगी, और 60K में आप मुझे बताओ ये किस तरह की मशीन है, मेरा ख्याल से काफ़ी बेहतर मशीन है, एक तो इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड गाइस लाइट ऑन करने से पहले भी अगर मैं आपको इसकी साइडें दिखाता चलूँ तो यहाँ पे चारों तरफ ही कॉर्नर पे आपको जो है वो लाइट देखने को मिलती है, एंड ये भी लाइट जो है एज यूजुअल
कस्टमाइजेबल है। अंदर जो है वो इस लैपटॉप के एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये है Alienware कमांड सेंटर, इसके थ्रू जो है ये कस्टमाइज हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये हो नहीं रही। आई थिंक इसको अपडेट की जरूरत है, इसका ड्राइवर जब अपडेट हो गया। और बैक पे जो लाइट है वो मैंने आपको दिखाई दिया, कुछ इस तरह की ये जो है आपको लाइट देखने को मिलती है। एंड गाइस जब ये लैपटॉप मैंने फाइनल किया था उस टाइम इसकी जो बैटरी वो ख़राब थी, बट उन्होंने बैटरी भी चेंज करके दी है और इसमें जो विंडो है वो भी सारी इंस्टॉल करके दी है। और बैटरी जो इसकी टाइमिंग है अभी तक इसको थोड़ा सा टाइम ही मैंने यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छी बैटरी टाइम आई थिंक यहाँ पे 2 hours है, बट 1.5 घंटा भी चलती है तो आई थिंक इनफ है बिकॉज ये गेमिंग मशीन है। तो ये कुछ डिज़ाइन था इस लैपटॉप का। एंड दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, Core i7 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर, इसमें 16 GB की रैम है, M2 SATA जो कार्ड है वो इसमें 80 GB का है, 500 GB की हार्ड ड्राइव है और 2 GB का डेडिकेटेड NVIDIA GeForce GTX 765 आई थिंक इसका जो है वो ग्राफिक कार्ड है, जो कि आई थिंक काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो एडिटिंग में। और अब से जो मेरी YouTube वीडियोज़ होंगी वो इसी लैपटॉप पर एडिट होंगी। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल कीबोर्ड, जब मैंने इसको पहले देखा था थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप मुझे ये कीबोर्ड लग रहा था, जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये काफ़ी बेटर कीबोर्ड है एज़ कम्पेयर टू माई ओल्ड डेल मशीन। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक पैड जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये मशीन है इस स्पेक्स के साथ 60K में मैंने परचेज़ किया। और गाइस अगर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता चलूँ तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है, आप कह सकते हो 10x9 कंडीशन है इस लैपटॉप की। और ये लैपटॉप था, आई होप कि ये व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा और आपको लैपटॉप की प्राइसेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। आप मुझे बताओ कमेंट में ये आई थिंक 7-8 years ओल्ड मशीन जो है वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से जिस स्पेक्स में मैंने ली है, 16 GB की रैम है इसमें और SATA M2 जो इसमें कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल था, मेरे जो टास्क हैं जो मैंने इस लैपटॉप पे परफॉर्म करने हैं लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए बेस्ट रहेगा। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी, उस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखा हो। आज के लिए इतने, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।